और इसी बीच बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पानी की टंकी से कूदे गुरबख्श सिंह की मौत का मामले में आज आपको बता दें कि इस मामले में आज गुरबख्श सिंह का अंतिम संस्कार जो है वो आज हो सकता है। गुरबख्श सिंह जो कि पानी की टंकी से कूदकर जिन्होंने अपनी जान दी, और साथ ही आपको बता दें कि जेल में बंद सिखों की रिहाई की मांग जो है, जेल में बंद बंदियों की मांग की रिहाई की मांग जो है, सिख बंदियों की रिहाई की मांग जो है वो गुरबख्श सिंह की ओर से उठाई जा रही थी, और इसी मांग को लेकर पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर गुरबख्श सिंह ने अनशन शुरू किया था, जिसके बाद में उन्होंने पानी की टंकी से छलांग लगा दी और साथ ही आत्महत्या कर ली। और इसके बाद अब हालांकि पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम कराकर शव तो परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार गुरबख्श सिंह का नहीं किया गया है। गांव में रोष है, आसपास के लोगों में रोष है, साथ ही मांग उनकी यही है कि जब तक बंदियों की रिहाई नहीं हो जाती है, जिसकी मांग उठाते हुए गुरबख्श सिंह ने अपनी जान दे दी, तब तक अंतिम संस्कार जो है गुरबख्श सिंह का नहीं किया जाएगा। हालांकि आज उम्मीद है कि आज गुरबख्श सिंह का दोपहर बाद अंतिम संस्कार हो सकता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, राजीव अरोड़ा हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, गुरबख्श सिंह का अंतिम संस्कार क्या आज होगा और साथ ही किस तरह का माहौल जो है वो अभी बना हुआ है? देखिए, जो गुरबख्श सिंह खालसा जिसने की पानी की टंकी से खुद तरफ ही जान दी थी और उसका जो है अंतिम संस्कार होना था, लेकिन परिजन इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक जो दोषी पुलिसकर्मी है, दोषी पुलिस अधिकारी है, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज नहीं होता और उनके खिलाफ जो है उनका निलंबन नहीं होता, तब तक वो इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और असमंजसता की स्थिति बनी हुई है, कल भी जो है पूरा जिला प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी गांव ठस्काली में डेरा डाले रहे और जो परिजन है, जो शुभचिंतक है, उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि वो गुरबख्श सिंह खालसा का अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन जो सिख जथेबंदियों के लोग हैं वो इस बात को लेकर अब बिल्कुल अड़ गए हैं और उनका साफ तौर पर दो तीन शब्दों में कहना है कि जब तक जो दोषी पुलिस अधिकारी है उन्हें निलंबित नहीं किया जाता, उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो गुरबख्श सिंह खालसा के अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। आज का दिन जो है बहुत अहम दिन है और आज के दिन देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या प्रशासन को बना पाने में सफल होता है या नहीं सफल होता। यदि उनको बना पाने में सफल होता है तभी गुरबख्श सिंह खालसा का अंतिम संस्कार होगा, अन्यथा जिस तरह से गुरबख्श सिंह खालसा का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए फ्रीजर में रखा हुआ है, कल की सारा दिन जो है लोग आकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते रहे, तो देखने वाली बात यह आज रहेगी कि क्या प्रशासन जो है उनके परिजनों को मना पाने में सफल रहता है या नहीं रहता, तभी गुरबख्श सिंह खालसा का अंतिम संस्कार हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव अरोड़ा तमाम जानकारी के लिए। तो आज गुरबख्श सिंह का अंतिम संस्कार हो पाएगा या नहीं ये देखना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हालांकि गुरबख्श सिंह के शव को फ्रिज के अंदर जो है रखा गया है और साथ ही लोग आकर यहां पर अंतिम दर्शन उनके कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आज ये भी देखना होगा कि क्या लोगों का जो रोष है वो आज खत्म हो पाता है या फिर उनकी जो मांग है वो पूरी हो पाती है, क्योंकि गुरबख्श सिंह का अंतिम संस्कार आज हो पाएगा।